What's up guys, welcome back to the vlog. अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और रशी आज स्कूल नहीं गई. क्यों नहीं गई भाई? आज नहीं छुट्टी थी. मम्मा इसकी छुट्टी क्यों थी आज? रशी सुबह उठी, पूरा तैयार हुई, मम्मा इसको लेके वहाँ पे गई और इसकी छुट्टी थी. पता नहीं छुट्टी इसकी आज. बल्ले बल्ले हो गए होगी सुबह से. पता पापा के लिए प्रसाद लाए हो बेटा? जितना भी छोटा हो सबको मिलना चाहिए घर में यार. ये वाला लो. थैंक यू. जब देखो मम्मा, कल मम्मा नहीं थी पूरा दिन तो गुजारा था ना, तो कल रितु गई थी मुंबई और कल घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी. कल पता क्या हुआ? हमने बताया नहीं तेरे को कि तू डांटेगी. क्या? तो रशी उठती है स्कूल के लिए, उसको लेके जाते हैं हम सात के आसपास बस. तो रशी उठती है, रशी 20-25 मिनट तैयार हो जाती है. तो रशी ने जल्दी उठा दिया 6:30 बजे. अब रशी 6:50 तक तैयार हो गई. मगर रशी अभी तो बहुत टाइम में सो जाता है बेटा. आ जा स्कूल ड्रेस पहन के तैयार. जो तुम्हें तैयार मैंने उसको ले जाके अंदर घसीट लिया. मैं और रशी हगी करके सो गए. जब उठे तो 7:20 भगे. मैं अगर रशी भग ले बेटा जो छूट जाए स्कूल छूट गया तो डांट पड़ेगी पापा को. भगे हम. हाय राम पीयू, देखा पापा कैसे काम करते हैं. ये क्या चाहिए? ये लो यार, लो 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 लो. चलो चलो भग लो. चलो चलो खुश. चलो बाहर बाहर बाहर. अरे आराम से भैया. अरे बैक होम. अभी सुबह से बाहर गए थे मीटिंग बैक टू बैक. इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है आज. क्या है हल्ला क्यों मचाते रहते हो राशि? अच्छा लगता है. इतनी ठंड है, ठंड के मच्छर दर्द हो रहा. पता नहीं सर्दी में अर्थ ने अपना एंगल कैसा घुमाया हुआ है. धूप ही नहीं आती भैया. धूप आती थी कानपुर वाले करते खुली छत ना, ये हाई राइज बिल्डिंग मम्मी आ रही है. अरे भाई तुम तो धूर्त आदमी हो यार. चढ़ो नहीं, चढ़ो नहीं. ओ देखो जरा, अभी 2 घंटे घर के बाहर गया हूँ. इतना एक्साइटमेंट तो अर्जेंटीना ने नहीं दिखाया होगा जब वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत गए थे. रशी की हो चुकी है डांस क्लास, उसको भी पिकअप करते हैं. कौन सा डांस सिखा आपने? गजा की चीज बताओगे? गंदी चीज वो भी बताई वाली. रशी ने आज गंदा काम किया है इसलिए मम्मा ने कहा डंडा लेकर वहाँ पिटी होगी. इतने अच्छे बच्चे हैं, खुद ही वहाँ मंदिर के ऊपर से डंडा लेके आए हैं. हाँ पहले मम्मा के हाथ में डंडा दो. डंडा दो मम्मा के हाथ में पहले. नहीं नहीं देंगे. डंडा लेके आओ, तुम्हारी पिट्टी होगी उसे इधर लाओ. माऊ तू हमारा वफादार है ना, जा उसके हाथ से डंडा छीन के ला मुंह से. जा जा नहीं तो तेरी भी धुनाई कर देंगे. जा. एक तो जब से दिल्ली में सर्दियां शुरू हुई है हमारे घर में खिचड़ी. मैं परेशान हूँ खिचड़ी से यार, लिटरली बता रहा हूँ. मैं झूठ नहीं बोल रहा ना, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ. पिछले 1 महीने से डिनर में तो रोज खिचड़ी बनने वाली है. रोज डंडा दो मम्मा को, डंडा दो मम्मा को. देव चुपचाप डंडा लो. चलो कितनी गलत बात है यार. 1001 बार तो हो गया जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया. बच्चे ऐसे कैसे चलेगा? बीमार पड़ जाओगे तो. ये को टाइम है जब आप गीले घूमोगे. सर्दियों का टाइम है, गीले घूमोगे और बीमार पड़ोगे. देखिए रोना नहीं आ रहा, देख चला गया इसका रोना. ऐसे मगरमच्छ के आंसू है ना बच्चे के. फिर आगे रोना. वाह 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 वाह, क्या ट्रांजिस्टर है. ऑन ऑफ होता है क्या? आज जिम नहीं जा पा, काफी दुख हो रहा है. तो फाइनली डिनर बना रहे अपना. पूरी मसाला भून रहा है, मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है. उसमें डालेंगे हम वेजीज, धनिया और ये पड़े हुए एग्स. कल आज कुछ किया नहीं, इतना काम था. मीटिंग ही करते रहे और कुछ फ्रूटफुल हुआ भी नहीं. हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग. रशी को स्कूल छोड़ दिया. उसको छोड़ने के बाद मैं बहुत जरूरी काम करता हूँ रोज. दोबारा जाके सो जाता हूँ. 8 बज रहा है, 9 बजे उठेंगे आपसे मिलेंगे. जो मजे है ना सर्दियों में रजाई के. ये अभी खोल रहे हो क्या? सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे क्या? शरीफा भी शिफा है. अरे वाह भैया, आपने तो नया पैकेट खोला है तो बढ़िया. सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए भैया. भैया ने बस अभी दुकान खोली है. एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है तो भैया की पेटीएम में को यहाँ करना है. राम राम ताई. अच्छा भजन गा रहे हो. ये जो एरिया है ना, ये पूरा मोस्ट कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन इतना सुंदर मंदिर है ये, मैं क्या बताऊं.
इस रास्ते पे आप दिन में तो आ ही नहीं सकते, भूल जाओ। ये देखो ये बढ़िया, भैया ने तो अच्छा कफ काटने के लिए लगा रखा। वाह भैया, भैया गरम गरम चाय आ रही है। नहीं बस बस धन्यवाद भैया। नहीं सो स्वीट ऑफ यू, भैया ने आधा कप दे ही दिया मेरे को। अरे नहीं भैया, आप सर्दी है, कोई दिक्कत नहीं। वाह क्या बात है भैया, क्या बढ़िया चाय है। 530 और 60, 590 है और 80, 590 से 670 और 50, 730, 600 नहीं 720। जब स्कूल में थे भैया ऐसे ही जोड़ करते थे फटाफट, और अब देखो धीरे धीरे 720, 750। पापा को बहुत पसंद है चटर मटर। भैया एक तो ये दे दो बिस्किट, ये वाले देखो ये ऐसे ही मजेदार, इसके साथ बस मूंगफली और मिल जाए। मैं तो कुछ कहा भी नहीं था भैया, क्योंकि भैया चाय अपने से पहले वाली जनरेशन है, उनमें ना वार्मथ बहुत है यार, मतलब वो प्यार देते हैं यार, वो मतलब अनजान को भी प्यार देते हैं। अब जैसे जो अपनी न्यू जनरेशन है ना, हम मोस्टली थोड़ा सा एक स्पेस रखते हैं। वेलकम बैक टू द वॉक। सुबह रशि को छोड़ने गए थे, उसके बाद अब रशि को लेने जा रहे हैं। बट भगवान की गनीमत है कि आज थोड़ी ज्यादा धूप निकली और ठंड आज काफी कम है दिल्ली में, तो कोई छुट्टी भी हो गई यहाँ पे। एक्चुअली क्या दिन में लगता है गर्ल्स का स्कूल और फिर शाम को लगता है यहाँ पे बॉयज का स्कूल, तो सर्दियों में बॉयज की मौत पड़ती है, बेचारे शाम को जाते हैं छूट के 7 बजे ठंड में। अभी आ चुके घर से बाहर, जिम निपटा दिया है, आज सोसाइटी में जिम कर लिया क्योंकि आज उतना हैवी वेट मारना नहीं था, और अभी आए क्रिकेट प्रैक्टिस की। शाम को रितु के फ्रेंड की बर्थडे की पार्टी है। भाई साहब सामने जो बंदा स्कूटर चला रहा है ना, बट आज के स्कूटर की आवाज किसी टेम्पो ट्रक से कम नहीं है। गजब। टर्न लेफ्ट दीदी, हमको तो राइट जाना है। ये भाई अमेज वाला बैक कर रहा था, बैक करते करते ऑलमोस्ट छू गया मेरे शीशे पे। भाई रितु के फ्रेंड की जो बर्थडे की पार्टी है वो है 18 कम्यून में, जो कि हाँ विराट कोहली का रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं वहां जाने के लिए। 18 विराट का लकी नंबर है और मेरा अनलकी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम में उतने नंबर आए थे कॉलेज में एक 18, तब से मेरा अनलकी है वो। ऐसी भसड़ वाली जगहों के लिए तो मेरे को ऑल्टो बेस्ट, ऑल्टो जिंदाबाद। हमारी प्रैक्टिस जो कि कंप्लीट, जिम कर लिया तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, स्पेशली रिस्ट, बैड आइडिया जिम करने के बाद प्रैक्टिस करने का। लेकिन बॉलिंग मशीन बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा दिखा। हाँ पहले बंद कर दे। तो ये है बॉलिंग मशीन, बॉल कहाँ से डालते हैं, यहाँ से डालते हैं ना, और अंदर से ये दोनों ऐसे घूम रही मोटर, और जैसी पड़ती है यहाँ से नीचे घुसती है बॉल, और यहाँ से नीचे घुसती है और दोनों ऐसे घूमते हैं और यहाँ से सब पैसे निकलती है। तो ये स्पीड है, ये अभी स्टार्टिंग 40 से होती है। तो कितना वार्म अप होता है इसका भी? हाँ 90 हो गई ना। हाँ। ये 90 किलोमीटर की बॉल फेंकता है, 120 करी डायरेक्ट, 120 हो गई, अब 140। ओ भैया ठंडी ठंडी हवा रही यार। हाय राम, आओ मेरी सॉक्स आ गया। हाय राम, इतनी अच्छी सॉक्स थी मेरी, यूट्यूब वाली है, कितनी अच्छी थी। मैं क्या करूँ इसका, पता कैसे करी थी, पता कैसे करी थी, पकड़ो पकड़ो रहा था मैं। बहुत बोली है यार। ऐसे आई सॉक्स आ गए मेरी, तुम बात ना करना मेरे से। किसकी फोटो है ये? बटरफ्लाई। और ये बगल में हटाओ, ये सब है, सब है। देखो ये वाला कोट पहना है, इस कोट की पैंट नहीं मिल रही है, दोनों बच्चे मेरे हेल्प करे ढूंढने में। चलो बेटा दोनों लोग ढूंढो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओए भैया पीहुड़ी तू गिर गई, तुम भी ढूंढो, चलो तुम भी ढूंढो, तुम जाओ 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 जाओ, इसको भी ढूंढवाओ। पापा इज रेडी, दिस इज पापा ओटीडी। और मम्मा कहाँ है? मम्मा बहुत देर करती है। और क्या, रशी जल्दी करती, मम्मा बहुत लेट करती है। कैसे इतना लेट, अभी गाड़ी से निकलने में भी लेट। ये देखो लास्ट मिनट मेकअप नहीं छूटते इन लोगों के। ओ भैया ऊपर चल के कर लेना, बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ की पार्किंग ऐसे लगाओ प्लेटफॉर्म पे, फिर गाड़ी ऊपर उठ जाती है, फिर नीचे एक और स्पेस बन जाएगी। तो ये होती है वो वाली पार्किंग, ये मतलब दुबई में बहुत होती है ऐसी पार्किंग। देख लिया मैंने क्या कर रहे हो।